स्वच्छता ही सेवा जो कार्यक्रम है उसका आज शुरुआत हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कार्यक्रम चलेंगे 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक चलेंगे, करीबन 15 दिन चलेंगे। और ये अरुणाचल प्रदेश में या देश भर में कुछ नया कार्यक्रम नहीं है, ये जिसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 2014 से लेके इसको स्वच्छता अभियान को जब से लॉन्च हुआ है, तो देश भर में जो खास करके क्लीनिनेस ड्राइव को लेके एक बड़ा एक जन आंदोलन के तौर पे अभी लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, वो देश के लिए बहुत ही एक अच्छा बात है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी जैसे आज जो सवेरे जो कार्यक्रम हुआ है, हमारा DNGC कॉलेज से लेके एक वाकाथॉन अरेंजमेंट किया गया है, वहाँ से लेके यहाँ दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर तक। और इस बार के पार्टिसिपेशन में मैंने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हुआ है, स्टूडेंट्स बॉडी लोग भी शामिल हुआ है, और हमारा खास करके जो युवा दोस्त लोग हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो लोग भी अच्छे नंबर्स में शामिल हुआ है। तो मैं आप सभी जो चैनल्स के माध्यम से पूरा अरुणाचल प्रदेश के जनताओं को हम ये निवेदन अपनी ओर से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम साल में 100 घंटे हम लोग क्लीनिनेस के ऊपर में हम लोगों को डेडिकेट करना चाहिए, और साफ़ सुथरा के बारे में अपने परिवार में हम लोगों को चर्चा करना है, साफ़ सुथरा के बारे में अपने गाँवों में इसको चर्चा करना है, क्योंकि हम लोग जब स्वच्छ रहेंगे तब जाके अपना बॉडी का हेल्थ यानी कि स्वस्थ भी होगा। तो क्लीनिनेस, साफ़ सुथरा, अपना बॉडी को भी साफ़ सुथरा, घर को भी साफ़ सुथरा, कंपाउंड को भी साफ़ सुथरा, गाँव को या शहर को सब साफ़ सुथरा रहना बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ आज के इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं अरुणाचल के जितनी भी जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनको भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। वो लोग अपना सेल्फ मोटिवेटेड करके ऐसे कई सारा संस्था ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोग अपने ग्रुप बना के वो लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, कहीं लोग वेरियस रिवर्स अरुणाचल का है उसको भी साफ़ सुथरा करने में लगा हुआ है। तो जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है स्वच्छता को लेके, जो लोग सदियों से, जो लोग कहीं सालों से, कहीं दिनों से जो लगे हुए हैं, उन सभी के मेंबर्स और उनका ऑर्गेनाइजेशंस को मैं अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर, जैसे कि आपने बोला था अपने स्पीच में कि अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, इसके ऊपर में आप लोग किस तरह काम करने वाले हैं? जैसे मैंने आज के प्रोग्राम में भी इसको थोड़ा सा मैंने बताया था कि गार्बेज मैनेजमेंट को लेके अभी भी सही ढंग से एड्रेस हो नहीं पा रहा है। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो दोनों डिपार्टमेंट को मैंने जिम्मेदारी दिया हुआ है कि एक ऐसा एक मैकेनिज्म लेके आओ जहाँ पे देश भर में जहाँ गुड प्रैक्टिसेस हो रहा है गार्बेज कलेक्शंस या उसका गार्बेज डिस्पोजल का मैनेजमेंट को लेके, उसको हम लोग अपना अरुणाचल प्रदेश में हम लोग रेप्लिकेट करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि गार्बेज तो देखो इट्स इन पार्ट ऑफ लाइफ, गार्बेज तो वो तो निकलेगा, हर एक घर से गार्बेज निकलता है, तो उसको सही ढंग से डिस्पोजल करने के लिए या लोगों को और भी इसका गार्बेज मैनेजमेंट के ऊपर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अच्छा मॉडल हम लोगों को तैयारी करना है। आने वाला दिनों में उम्मीद है कि इसको एड्रेस करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज और UD डिपार्टमेंट, इसमें इस जो प्रॉब्लम जो हो रहा है उसका एड्रेस करेंगे। सर, 10 साल हो गया सर अरुणाचल प्रदेश लेकर आया था, उसको क्या पूरा स्कूल बोर्ड जो स्कूल्स है उसमें भी इंप्लीमेंट होगा क्या? वही जानना है। जो 3 मंत्र लेकर आया है, जो नया जो आपने बताया था कि आपने स्पीच में भी बोला था 3 मंत्र, उसको क्या पूरे स्कूल में भी इंप्लीमेंट होगा जो जितने लोकल बॉडीज हैं सब में? 3 मंत्र मतलब जैसे कि आपने बोला था थ्री पिलर का बात कर रही है। हाँ। जो मैंने इस बार का थीम जो लिया है। अच्छा अच्छा, ये तो जनरली वो तो सभी के लिए है, केवल आज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उन्हीं के लिए नहीं है। इट इज एन वॉलंटरली, और ये अपना जो एक ड्यूटी है राष्ट्र के लिए, ये नेशन के लिए अपना एक ड्यूटी होता है, हम सभी का ड्यूटी है कि अपना स्वच्छता को हम लोग कायम करने के लिए इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो केवल आज जो यहाँ पे कार्यक्रम आया उन्हीं का ही ड्यूटी बोल के नहीं है, वो तो सभी का ही ड्यूटी है। और मैं आपका सभी चैनल्स के माध्यम से मैं ये अनुरोध भी कर चुका हूँ, अपील भी कर चुका हूँ अरुणाचल के सभी जनताओं को कि स्वच्छता में आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आज से 10 साल पहले अगर हम लोग कंपेयर करेगा, फॉर एग्जाम्पल ईटानगर का, तो 10 साल पहले जो गंदगी या लोगों का जो माइंडसेट था, 10 साल के बाद में काफ़ी सुधार आ गया है, काफ़ी साफ सुथरा भी हो गया है, और जो माइंडसेट में भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो फ़र्क तो हुआ है डेफिनेटली,
तो हम लोग एज एन ह्यूमन बींग हम लोग हमेशा परफेक्शनिस्ट में ही हम लोग सोच के बैठते हैं, तो परफेक्शनिस्ट तो इतना जल्दी तो आएगा नहीं, मगर जैसे जैसे अभी अपना साल बीतते जाएगा तो लोगों का भी एक मेजोरिटी सोचने का ढंग भी अकॉर्डिंगली चेंज करके आएंगे। और इस बार का जो स्वच्छता ही सेवा का जो कार्यक्रम है, इसमें जो स्पेशल थीम जो रखा हुआ है कि आपका स्वभाव भी स्वच्छता होना है और अपना ये संस्था भी स्वच्छता होना है, संस्कार भी स्वच्छता होना है, तो अपना बिहेवियरल में हम लोगों को क्लीनलीनेस लेके आना होगा और अपना ट्रेडिशन में भी आपको जो क्लीनलीनेस जो हम लोगों का था उसको और भी हम लोगों को बरकरार रहना होगा। सो मैं आज के स्पीच में भी मैंने कहा था कि हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को लेके उस जमाने में उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर में चर्चा किया है। उनका जो मानना है कि क्लीनलीनेस जो है अपना माइंडसेट, सोचने का ढंग भी क्लीन होना है, अपना बॉडी भी क्लीन होना है और साथ साथ अपना सराउंडिंग्स भी क्लीन होना है। जब ये जो तीन पिलर जो मिल जाता है तो अपना सोसाइटी का ये रिफ्लेक्शन होता है और चाहे ये देश का ये रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके ऊपर में वैसे सभी लोग अपने तरीक़ा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर और भी हम लोगों को जागरूकता के साथ में इसमें और भी शामिल होना है और क्लीनलीनेस को लेके और भी अवेयरनेस हम लोगों को फैलाना है। अरुणाचल का खास करके कैपिटल कम्प्लेक्स का जनता का एक सोच है, एक रिक्वेस्ट भी है IMC का हो या अर्बन डेवलपमेंट का हो कि होलोंगी से लेके बंदरद्वार तक एक भी टॉयलेट नहीं है, तो ओपन डिफिकेशन तो बंद कर दिया, सर पेशाब करने का जगह नहीं है, गाड़ी में लोग चलते हैं, तो बहुत रिक्वेस्ट है और हम्बल अपील भी है सरकार को कि ऐसा क्यों नहीं करता है, काफ़ी साल हो गया। ठीक है, वैसे होलोंगी टू जहाँ भी अभी जो शौचालय का जो रिक्वायरमेंट है, तो हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन जो चल रहा है और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ है और UD डिपार्टमेंट भी है, तो इसका जानकारी मैं कंसर्न तीनों विभाग को मैं पहुंचा देता हूं। थैंक यू। Success isn't a destination, it's a journey, and every journey needs a guide. At Success Point, we provide the best faculty for teaching, motivating, and guiding students until they reach their final selection. Our institute offers a conducive atmosphere for overall growth, blending wisdom with knowledge. Our revised syllabi and updated study materials ensure you stay ahead. We offer regular classes with topic-wise weekly tests and feedback sessions to boost your preparation. Plus, mock interviews and tests help you gauge where you stand. Be inspired by motivational talks from toppers and successful candidates who have conquered the civil service and other competitive exams. Whether you are preparing for APPS, CCE, UPSC, APSSB or other competitive exams, Success Point is your ultimate platform. For the past 14 years, Success Point has been the number one choice in Arunachal Pradesh, guiding and mentoring civil service aspirants with dedication, updated materials and a supportive atmosphere. Success awaits you. Start your journey with Success Point today.